मैं कह रही हूँ कि तुम्हारे सामने जो भी प्रश्न है उन प्रश्नों को तुम अचेतन में छोड़ो, वो मेरे पैर में बहरा। माने ये कि कोई भी प्रश्न है, अब तुमको अपनी लड़की का प्रश्न है समझ लो, उसमें खोपड़ी भिड़ाने से कुछ नहीं होने वाला। जो भी प्रश्न है वो यहाँ छोड़ दो, उसका उत्तर मिल जाएगा। अब तुम अगर सोचते हो कि इस चीज से लाभ होगा, वो नहीं बात, जो परमात्मा सोचता है तुम्हारे लिए जो हितकारी चीज है वो घटित हो जाएगी, वो तुम कर भी नहीं सकती हो, इसलिए उसको छोड़ दो। तुम क्यों बीच में तंगड़ियां तोड़ रही हो, तुम क्यों परेशान हो रही हो, तुमको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, तुम छोड़ तो दो। जो तुम्हारे सारे प्रश्न को सॉल्व करने के लिए पूरी इतनी कमेटी बैठी हुई है उनके पास छोड़ो तुम। सहज योग में यही तो कमाल है कि सर का बोझा उतर गया उनके खोपड़ी पर, छोड़ के देखो, ऐसे कमाल होंगे, ऐसे कमाल होंगे कि बस। लेकिन मनुष्य की खुददारी की बात हो जाती है, आखिर तक वो ऐसा ही सोचते रहता है कि नहीं मुझी को करना है, मुझी को करना है, और सोचते रहिए कि ऊपर एक ताना बाना चलता रहेगा, कितना भी आप करते रहिए आखिर में आप पाइएगा कि आप कहीं भी नहीं पहुंचे और आखिर पागल खाने में ही आप जाइएगा। आपके प्रश्न हल करने के लिए बहुत बड़ी कमिटी बैठी हुई है, उसमें पांचों तत्व के अधिनायक बैठे हुए हैं ब्रह्मदेव, सारे धर्म के बनाने वाले बैठे हैं विष्णु, और सारे संसार की स्थिति लेकर के और लय लेकर के बैठे हुए हैं शंकर। उनको भी तो कभी कभी चांस दो कि तुम ही लोग सारे प्रश्न को ठीक करोगे। और जैसे ही आप निर्विचार में होना शुरू कर देंगे, आप देखिएगा आपके अंदर ये तीनों ही शक्तियां अपने आप बन जाएंगी, अपने आप सुलझ जाएंगी, धर्म, अर्थ और काम, बिल्कुल वो ठीक से अपने अपनी जगह बैठ जाएगी। निर्विचारिता में रहने से आपके अंदर के जो प्रश्न हैं उसमें कॉस्मिक चेंज आता है, एक कोई अंदरूनी घटना घटित होती है, उसके सूत्र पे घटना होती है। जैसे एक आदमी समझ लीजिए शराब पी रहा, मिसाल की तौर, वो मेरे पास आता है, माता जी ये शराब पीता है, इसको शराब छुड़ा, उसकी कुंडलिनी जागृत करते ही उसके अंदर की कॉस्मिक दशा ऐसी हो जाती है कि वो शराब पीता तो उसको उल्टी होती है। फिर ये भी हो सकता है कि शराब की भी जो मादक शक्ति उसको भी खत्म कर सकते हैं, जब शक्ति पे बैठे तो हर तरह की शक्ति को ले सकते, जितनी डिस्ट्रक्टिव शक्ति है उस सब को खत्म कर सकते। लेकिन आप जो ये अपने छोटे से दिमाग से हर एक चीज को सुलझाने का प्रयत्न करते हैं उसी में गड़बड़ हो जाता है, बिल्कुल निर्विचार। मेरे पैर पे भी लोग रहते हैं तो भी वो विचार में रहते हैं, मुझे इतना आश्चर्य होता है, कम से कम मेरे पैर पे तो विचार छोड़ दो, वहां पे भी उनका चलते रहता है विचार। मैं कोशिश कर रही हूँ, हाथ पर चला रही हूँ, ये कर रही हूँ, सारा तांडव नृत्य हो रहा है और ये लोग इधर विचार ही कर रहे हैं। कम से कम मेरे पैर पे विचार छोड़ना आना से। फिर धीरे धीरे ये आदत बनते जाएगी निर्विचारिता। बस एक छोटी सी चीज है कि निर्विचार में रहना सीख, कोई सा भी आपका प्रश्न हो निर्विचार में रहो। ऐसे मैं आपको सुझाव देती रहती हूँ, आपका ये चक्र क्यों पकड़ता है, वो चक्र क्यों पकड़ता है, छोटी छोटी बातें हैं उसको समझ लेना चाहिए। आपका शरीर ठीक रखो, मन ठीक रखो, मन की भी बहुत सारी बीमारियां होती हैं, औरतों को बीमारी होती है कि आदमियों के पीछे में मरो, खास करके आदमियों को और बीमारियां होती हैं, मन की अनेक बीमारियां होती हैं, उधर जरा सा चित्त रखो, निर्विचार में रहो, एक छोटी सी चीज करने से ही आपका जो स्वयं हृदय में बैठा हुआ स्व है उसका प्रकाश फैलना शुरू होगा,
और वो ही प्रकाश है जो आपके अंदर ये वाइब्रेशंस की तरह से बह रहा, यह आपके अंदर बसा हुआ परमात्मा का जो अंश है वह सेल्फ, उसका प्रकाश सारे संसार में जाता है और लौट के आपके पास आ जाता है। पैराबोली में अनेक उसकी लहरें चलती हैं, गोल गोल घूम के आपके हृदय में आ जाता है। अपनी जो बाती है उसे ठीक रखो, आपका शरीर ठीक रखो जो आपका दीप है, आपकी जो शक्ति है तेल, दिमागी जमा खर्च जो है उसमें खर्च न करो। लौ को सीधे लगाओ, जो लौ के ऊपर का हिस्सा है उसको मां से चिपका लो, उसके पैर में बांध, सीधी की सीधी लौ निर्विचारता में निर्भीकता से जलती है। और जब ऐसा आदमी कहीं खड़ा होगा तो उसकी तेजस्विता देखकर लोग कहेंगे कि भाई तुम्हारे गुरु कौन है, ये तुमने किससे पाया। यही सहयोग के लिए आप लोगों को करना है, जहां तक हो सके निर्विचार रहें। हम तो धक्का दे ही रहे हैं कुंडलिनी को, आपको भी वहां रखने का कोशिश कर रहे हैं, आप भी जरा कोशिश करें, कोई विचार नहीं आना है। और अपना माथा किसी के आगे मत झुकाना, याद रखना किसी के आगे जाकर माथा नहीं झुकाना है, कोई भी हो। बहुत से लोग सहयोगी सहयोगी के आगे माथे झुकाते, मैंने देखा, ऐसा फालतू की बातें करने की जरूरत नहीं। मूर्तियों में भी देख के जिसके वाइब्रेशन ठीक हो ठीक है, मूर्तियों से आप बहुत बड़ी मूर्तियां हैं, आप स्वयं एक मंदिर हैं, क्या वो मूर्ति थोड़ी आपके वाइब्रेशन जानती है, वो तो उसमें से वाइब्रेशन बस आ ही रहे हैं, बस और क्या हो रहा है। आप तो अपने हाथ भी चला सकते हैं, दूसरे से आप जागृति दे सकते हैं, किसी का चक्र खराब है उसको आप ठीक कर सकते हैं, मूर्ति तो बैठी सिर्फ वाइब्रेशन छोड़ रही है। सहयोग में बंबई सेंटर में बहुत काम हुआ है, इसमें कोई शक, और लोगों ने बहुत अपने को ऊंचा उठा दिया है, और वैसे भी महाराष्ट्र में बहुत काम हुआ है। एक छोटे से गांव में राहुरी में बहुत काम हुआ है। जितना आप गहरा उतरेंगे उतना ही गहरा काम होगा। अपने को बहुत ज्यादा लोग नहीं चाहिए, थोड़े ही लोगों से काम बन जाएगा, लेकिन जो भी हो वो पक्के हों।